सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की बड़ी स्ट्राइक, जैश के कई आतंकी ठिकाने तबाह। सूत्रों के अनुसार 1971 भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने सीमा पर आकर हमला किया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय के कई आतंकी ठिकाने को उध्वस्त किया गया है। मुजफ्फराबाद के रास्ते भारतीय विमानों ने जैश के अल्फा 3 कंट्रोल रूम को पूरी तरह से नेस्ताबूत कर दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जबरदस्त हमला किया है। भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराकर जैश ए मोहम्मद के अल्फा 3 कंट्रोल रूम समेत कई ठिकानों को उध्वस्त कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकियों के मारे गए हैं। NSA अजीज डोभाल ने इस एयर स्ट्राइक के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी मुखर रहा है। कहा जा रहा है कि स्ट्राइक से पाक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा दावा पाकिस्तान कर रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।